हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून, आराम, गुड इवनिंग। तो फाइनली मैं पहुंच चुका था अपना नारनौल अम्बाला एक्सप्रेस वे पे। तो करते हैं ब्लॉग की शुरुआत दोस्तों। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं पांडे ऑफिशियल 0028। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कृपया सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पर आपने क्लिक कर लिया है तो लाइक, शेयर, कॉमेंट ज़रूर करें। तो ये अपना अम्बाला नारनौल एक्सप्रेस वे, तो पहुँच चुका था मैं इधर अपना एक्सप्रेस पे। तो अब इधर से निकलते हैं और सफ़र कंटिन्यू करते हैं फ्रेंड्स। हेलो गाइस, तो सफ़र अपना कंटिन्यू है और अपना फाइनली नारनौल अम्बाला एक्सप्रेस वे पे आ चुका था मैं। तो जैसा कि आपको बताइए, अपना डे टू कंटिन्यू है, मतलब दूसरा दिन सफ़र का आज कंटिन्यू है। और अपने को कल रात को पहुँच जाऊँगा अपना उधर पे वडोदरा में। तो चलो सफ़र कंटिन्यू करते हैं फ्रेंड, और आप लोग भी मज़े लो सफ़र के मेरे साथ। सफ़र तो कंटिन्यू है, तो आप लोगों ने इधर का तो सब कुछ देखा हुआ है पिछले ब्लॉग में, तो कुछ नया होगा तो आप लोगों को दिखाऊंगा फ्रेंड्स। फाइनली नारनौल पहुंचने वाला था मैं और रात के 9 बज चुके हैं। तो चलो निकलते अब इधर से फ्रेंड्स, और अपना सफ़र तो कंटिन्यू ही, आज पूरी रात पर चलना पड़ेगा। और देखते हैं सुबह तक कहाँ तक पहुँच पाते हैं, और फिर उस हिसाब से सुबह की रूटीन जो भी होगी आप लोगों को वीडियो में पूरा पता चलेगा। तो फ्रेंड्स, पूरी गाड़ी जल के खत्म हो गई है, देख सकते हैं आप लोग। ये नारनौल में जब अपना कोटपुतली की तरफ मुड़ते हैं तो उधर पे पूरी गाड़ी मतलब जल के खत्म हो चुकी है। ये अपना घोड़ा है, मतलब 22 टायर 21 टायर जितना भी होता है, ये देख सकते हैं आप लोग, पूरी गाड़ी जल के खत्म हो चुकी है बेचारा। बस बंदा अंदर नहीं होना चाहिए, भगवान से यही दुआ करता हूँ मैं फ्रेंड्स, बस बंदा बच जाए। बाकी चलो गाड़ी की तो कोई दिक्कत नहीं, गाड़ी तो नई भी आ जाएगी। ये अपना नारनौल टोल टैक्स, मतलब कोटपुतली टोल टैक्स, तो इधर पे पहुंच चुके थे हम। तो प्रदीप मामू भी इधर पे रुके हैं, तो अब चाय पीते हैं और फिर उसके बाद सफर कंटिन्यू अपना। अभी भूख लगी नहीं है, खाना थोड़ी देर में खाएंगे आगे, मतलब क्या प्यार से पास है देखेंगे। भूख भी नहीं लग रही है क्योंकि अभी 4 बजे तो खाना खा है उधर से अम्बाला से। चलो पर काट देते हैं, जितना कटना है तो फिर बाकी खाना आगे ही देखेंगे अब। फाइनली कोटपुतली पहुंच चुका था मैं फ्रेंड। अब भूख भी लग चुकी है, मैंने सोचा था अपना चिड़िया वाले ढाबे पे खाना खाएंगे, पर तब तक बहुत लेट हो जाऊंगा क्योंकि 12 बज चुके हैं। तो जब तक उधर पहुंचूंगा तब तक बहुत लेट हो जाऊंगा, इसलिए देखते हैं अब अपना जयपुर बाईपास में ही खा लेंगे खाना। उधर पे भी बहुत ढाबे, एक अपना हरियाणा वाला ढाबा है उधर पे, उधर खा लेंगे खाना। तो नहीं तो फिर अपना 3-4 बज जाएंगे, फिर खाना खाने का कोई फ़ायदा नहीं जब तक अपना चिड़िया वाले ढाबे पर पहुँचूंगा। तो खा लेते दोस्तों तब खाना। अब अपना यहीं बाईपास में पहुँचने वाला हूँ मैं। तो दोस्तों चंदबाजी पहुंच चुके थे फाइनली हम, इधर होटल पे रुक गए थे तो खाना खा लेते इधर होटल पे पहुंच के। ये अपना चंदबाजी, तो इधर होटल पे रुके थे, प्रदीप मामू भी साथ है। बाकी गाड़ियां हमने रोड पे लगाई थी बाहर, मतलब ये होटल हाईवे किंग के साथ ही है। इधर पे ढाबा, ये राजस्थानी ढाबा है, भाई ने बढ़िया खाना खिलाया एक नंबर। तो ये प्रदीप उस्ताद जी, तो खाना हमने खा लिया है अब, और इधर से निकलते अब फ्रेंड्स, सफ़र कंटिन्यू करते हैं। चलो जय सियाराम दोस्तों, मिलते तब आप लोगों को आगे के सफ़र में। गाइस फाइनली जयपुर पहुंच चुका था मैं, पर हर बार ही वीडियो में वही हो जाती है, फिर क्या करना। अब जयपुर हर बार ही दिखाता हूं आप लोगों को हर वीडियो में, जब रूट यही है फ्रेंड्स, तो अब दिखाना तो जयपुर ही पड़ेगा। तो चलो सफ़र अपना कंटिन्यू करते हैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय सियाराम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो सुबह की आप सबको प्यारी सी राम राम। और सुबह के 6 बज चुके हैं, तो फाइनली मैं अपना भीलवाड़ा पहुँचने वाला था। और मैं पहले अपना बंधनवाड़ा सो रहा था बिट्टू भाई के ढाबे पे, फिर मैंने सोचा कि मंगलवाड़े तक निकल ही जाता हूँ क्योंकि फिर अपना जाम लगता है उदयपुर में बहुत, अपना उठ के टाइम से इधर से फिर 1 घंटे का ही सफ़र है उदयपुर तक, फिर टाइम से चल जाएंगे।
ये चेक कर सकते गाइस आप लोग, ये अपना भीलवाड़ा का अपना व्यू और गुरुद्वारा साहिब जी से आके आ चुका था मैं, तो सूर्य देवता जी भी प्रकट हो चुके हैं। ओम सूर्य आय नमो। इस वक्त मतलब प्रशांत वाले टाइम में सारे में हरियाली होती है, एकदम टकाटक वाली हरियाली। तो मिलते हैं आप लोगों को सांवरिया सेठ जी के मंदिर पे और आप लोगों को दर्शन कराऊंगा आज भी सांवरिया सेठ जी के। तो अपना एप्पल में ये है कि मतलब हर चक्कर सेठ जी के दर्शन हो जाते हैं, नहीं तो जब तो मटर भर के जाते हैं तब तो रुकने का टाइम ही नहीं होता है। तब तो मतलब चलो 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 आप लोगों को बताइए, तब तो मतलब कंटिन्यू अपना 28 घंटे का टाइम तब बम्बई का होता है अपने को, सोलन से बम्बई का 28 घंटे का 1800 किलोमीटर, 1800 किलोमीटर विद इन 28 आवर्स कंप्लीट मिशन। सुबह का व्यू चेक करो गाइस, इस वक्त 6 बजे है और सूर्य देवता जी भी निकल चुके हैं और अपना ये सुबह सुबह का व्यू। बेचारी अपनी लाडो रानी भी थक गई होगी अब, तो चलो होटल पे पहुंच के रेस्ट करेंगे। बाकी क्या है, अपना माऊ देख रहे हो आप, ये बोलता भी है, मेरे को पता ही नहीं था कि ये बोलता भी है। ये देखिए है ना, टक्कास आइटम फ्रेंड्स, मेरे को पता ही नहीं था कि बोलता भी है। अच्छा ये चेक करो गाइस, मैंने अपना मतलब फ्लैग लगाया था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वाला, तो कमेंट करके जरूर बताएं फ्रेंड्स कि कैसा लग रहा है। मैं क्या थोड़ा सा अलग लुक दे देते हैं गाड़ी को, तो इसलिए मैंने ये मतलब उस दिन जब अभी घर पे था तो वेले ही थे घर पे, मैं क्या काम कर लेते हैं कुछ, तो काम भी हो जाएगा इस बहाने और बाकी अपना सही भी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स गंगरार पहुंच चुका था मैं, और ये अपना गंगरार सिटी मतलब चित्तौड़गढ़ में ही आता है। इधर पे तलवार जुतियाँ वगैरह बहुत हाइट में मिलती है इस टाइप की, मतलब ये देख सकते हैं आप लोग, इधर दुकानें दोनों साइड में है। फाइनली पहुंच चुका था मैं अपने सावरिया सेठ जी के मंदिर पे, तो कर लेते हैं दर्शन और आप लोगों को भी करवाता हूँ सावरिया सेठ जी के दर्शन, और फिर इधर से निकलते हैं, फिर अपना मंगलवाड़ा पहुंच के ढाबे पे सो जाएंगे। तो फ्रेंड्स पहुंच चुका था मैं मंदिर पे, प्रसाद मैंने ले लिया चढ़ाने के लिए, तो बाकी अब लड्डू इसके बाद लेते हैं, दर्शन कर लेते हैं और आप लोगों को भी कराता हूँ फ्रेंड्स। तो दोस्तों ये सांवरिया सेठ जी के दर्शन, तो अभी दर्शन निकलते हैं और सफर अपना तो कर दिया था मैंने सांवरिया सेठ जी के दर्शन दोस्तों, और आप लोग भी कीजिएगा। तो अभी दर्शन निकलते हैं और सफर अपना कंटिन्यू करते हैं। तो ये सांवरिया सेठ जी के दर्शन दोस्तों आप लोगों ने भी कर लिए और मैंने भी कर लिए। तो गाइस फाइनली मंगलवाड़ पहुंच चुका था मैं,
और अपनी दिनेश भाई की दुकान पे जा रहा हूँ आज बहुत दिनों बाद। बड़े टाइम से भाई से मिला ही नहीं, तो भाई से भी मिल लेता हूँ। और ये इधर पे अपने रिलायंस का बंप है, बिल्कुल इसके साथ ही भाई की शॉप है। मैं पिछले व्लॉग में भी मैंने दिखाया था, मतलब मटर सीजन वाले व्लॉग में भाई का मैंने दिखाया था, फिर भाई का नंबर भी डिस्क्रिप्शन में डाला था उस व्लॉग में, किसी ने भी हॉर्न लगाना हो अपना तो। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, जय सियाराम, कैसे आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो फाइनली दिनेश भाई की दुकान से चल रहा था, मैं अपने दिनेश भाई के पास रुका था सुबह, जैसे कि आपको मैंने सुबह वाली वीडियो में दिखाया था व्लॉग अपना, कल वाला कंटिन्यू है। तो भाई की शॉप के नंबर तो मैंने पहले भी डिस्क्रिप्शन में डाला था और लोकेशन भी। ये अपने दिनेश भाई, ये भाई यहाँ पे काम करवा रहे भाई के पास। बाकी भाई की और नंबर मैं फिर से डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और यहाँ की लोकेशन भी डाल दूंगा। भाई लोग मंगलवाड़ में भाई की दुकान है, इधर रिलायंस का पंप है, बिल्कुल उसके साथ ही है। अपने देवेंद्र भाई, ये भी भाई के पास ही काम करते हैं इधर, तो क्या बोलते। बाकी डिस्क्रिप्शन में मैं यहाँ की लोकेशन डाल दूंगा भाई लोग। ये अपनी गाड़ी, तो अब इधर से निकलते और सफ़र कंटिन्यू करते अपना। ठीक है दोस्तों, जय सियाराम। ये भाई की दुकान इधर पे, बजरंग ऑटो इलेक्ट्रिशियन। तो फ्रेंड, जैसा कि आपने देखा मैं दिनेश भाई के पास पहुंच चुका था, तो इस ब्लॉग को भी करते हैं यहीं पे एंड, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। और फिर अब इधर से निकलते और सफ़र कंटिन्यू करते अपना, क्योंकि अपने को सुबह वडोदरा पहुँचना है, तो नहीं तो फिर बहुत लंबा हो जाता ब्लॉग, फिर मज़ा नहीं आता ब्लॉग देखने का। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, आपने वीडियो यहाँ तक देख लिए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें फ्रेंड्स। बाकी आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो अपना प्यार यूँ ही देते रहे फ्रेंड्स। तो बाकी मिलते हैं आप लोगों को आगे के सफ़र में नए ब्लॉग में, तो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। जय सियाराम दोस्तों।